दोपहर प्राइम टाइम में बाद दिल्ली में हुई पोलो की बिग फाइट की। दिल्ली हवाना कैवलरी गोल्ड कप 2022 का फाइनल मुकाबला हुआ और इस महामुकाबले में चीफ गेस्ट आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे बतौर अतिथि बनकर पहुंचे। इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा और मैनेजिंग डायरेक्टर ऋतु धवन भी इस महामुकाबले के गवाह बने। मैच का हर लम्हा थ्रिल, सस्पेंस और एक्साइटमेंट से भरपूर रहा। रॉयल गेम में किसने जीती बाजी और कौन हारा, देखिए हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। राजधानी दिल्ली में पोलो की सबसे बड़ी जंग एक तरफ रजनीगंधा अचीवर्स तो दूसरी तरफ सजान इंडियन टाइगर्स। किसमें कितना है दम, कौन बना फिनाले का रोस्टर? दिल्ली के ऐतिहासिक जयपुर पोलो ग्राउंड में हुआ हवाना कैवलरी गोल्ड कप 2022 का फिनाले। गोल्ड कप की इस फाइनल बैटल में आर्मी चीफ मनोज पांडे बतौर चीफ गेस्ट शरीक हुए। इंडिया टीवी के चेयरपर्सन रजत शर्मा और मैनेजिंग डायरेक्टर ऋतु धवन भी इस बेहद रोमांचक मैच के गवाह बने। इस पूरे इवेंट को चिंगारी ब्रांड के प्रेसिडेंट चेतन सेठ ने ऑर्गेनाइज किया था। फिनाले से पहले इंडियन आर्मी की 61 कैवलरी यूनिट ने मैदान में हैरतअंगेज करतब दिखाया। मैच से पहले इंडियन आर्मी के सिख भाई बैंड ने मैदान में परेड की। इसके बाद दोनों टीमें आमने सामने थी। फिनाले की ट्रॉफी पर कब्जा करने के लिए मैदान में घोड़े दौड़ने शुरू हो गए। जयपुर पोलो ग्राउंड पर फिनाले की बाजी किसने मारी? गोल्ड कप 2022 का सिकंदर कौन बना? किसके घोड़े और घुड़सवार में ज्यादा दम था? इसकी एक एक डिटेल इंडिया टीवी संवाददाता ज्योत्सना पाटनी आपको देंगे। लेकिन पहले सुनिए फिनाले के नतीजे आने से पहले टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर चेतन सेठ ने इंडिया टीवी से क्या कहा। पोलो द स्पोर्ट ऑफ किंग्स और आज एक ऐसा ही फिनाले मैच देखने के लिए हम पहुंच चुके हैं जयपुर पोलो ग्राउंड में और मेरे साथ मौजूद हैं चिंगारी के प्रेसिडेंट चेतन सेठ। चेतन जी से जानेंगे कि आज जो फिनाले कप होने वाला है, द कैवलरी गोल्ड कप भी जिसे कहा जा रहा है, वो इस स्टेज तक कैसे पहुंचा, किन किन टीमों ने पार्टिसिपेट किया और कैसे आपके दिमाग में ये आइडिया आया कि इस तरह से एक स्पोर्ट ऑफ किंग जिसे कहा जाता है उसकी शुरुआत की जाए। चेतन जी, सम इवेंट दैट गोज विथ इट, लोगों को ये पता नहीं है कि एक्चुअली पोलो की जो गेम है स्टार्टेड ओरिजिनली फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम मणिपुर। एंड द ब्रिटिश टुक इट एंड मेड इट इनटू अ ग्रेट गेम, आल्सो देयर गेम, एंड दे मेड इट देयर गेम। हमारा गेम तो हमारा था। एब्सोल्यूट। और फिर जो महाराजा होते थे, जयपुर में हुआ उदयपुर के महाराजा, दे स्टार्टेड प्लेइंग पोलो, सो इट बिकेम लाइक दे सेड द गेम ऑफ किंग्स। तो अगर प्रिंस चार्ल्स नॉक किंग चार्ल्स इंडिया आते थे तो वो पोलो खेलते थे यहाँ पे। दैट वाज हिज आइडिया टू डू दैट। सो फॉर लॉन्ग टाइम हमने 3-4 साल हमने स्पॉन्सर किया था द जम्मू एंड कश्मीर टीम, महाराजा करण सिंह की टीम को। पर फिर बीच में ये जो 50 ईयर सेलिब्रेशन का कप निकला तो उनका स्पॉन्सर नहीं था, तो उन्होंने हमको अप्रोच किया। Because the army is actually the backbone of polo. Right. And polo, in हमारी opinion में polo ऐसा game है जो आजकल के युवक के लिए, आजकल के लोगों के लिए
मैंने बहुत एक्साइटिंग है क्योंकि शॉर्ट गेम है, बड़ा प्राइसी गेम है, बड़ा एक्सक्लूसिव गेम है, हाउ टू मेक इट अवेलेबल फॉर अ लेमैन सर? एक्चुअली यू आर राइट कि गेम इज अ लिटिल बिट एक्सपेंसिव तो है, एक्सपेंसिव नॉट फॉर द ऑडियंस भी है ये भी, बट अगर आप जयपुर जाएं और जब उनके वहाँ पे गेम्स होती हैं, बिकॉज जयपुर इज द हार्ट ऑफ पोलो, सब लोग देख रहे हैं, एक्सेसिबल सबको है, यहाँ थोड़ा नहीं एक्सेसिबल है, बट जयपुर में पोलो ग्राउंड सब एक्सेसिबल है। अगर इस गेम की बात करें, फॉर प्लेयर द हॉर्स इज द बैकबोन, हाउ इम्पोर्टेंट इज द बॉन्डिंग बिटवीन द प्लेयर हु इज राइडिंग द हॉर्स एंड द पोनी? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज जो आप देखेंगे द स्पॉट में कि द मैन एंड द पोनी आर मेड वन, राइट, एक बिल्कुल एकदम हो जाता है, वन माइंड वन मूड, वन मूड वन मूवमेंट, I mean, they have to react very quickly. They have to be, I mean, the pony has to and the man has to be one together. अच्छा चेतन जी, आज के फिनाले मैच की बात करें तो किन दो टीमों के बीच फिनाले मैच है और ओवरऑल आपका पूरा टूर्नामेंट चला है तो वो कैसा रहा और एंड हाउ एक्साइटिंग वर दी प्लेयर्स और जो ऑडियंस देखने आती थी उनसे आपको कैसा रिस्पॉन्स मिला? सो वी हैव वन टीम विच इज डन बाई अ यंग मैन कॉल्ड जैसल सिंह एंड अनदर टीम इज दिस अचीवर्स टीम, तो ये दोनों आर वेरी They are going to fight a lot. आज झगड़ा होने वाला है। मतलब आज dirty war देखने को मिलेगी over the ponies. Over the ponies. माने they are determined to each one determined win. ज्योत्सना ने मैच से पहले दोनों टीम के कप्तानों से भी बात की। सुनिए फाइनल भिड़ंत के लिए दोनों ने क्या तैयारियां की हैं। तो आज का जो मुकाबला है वो है दी सुजान इंडियन टाइगर्स और रजनीगंधा अचीवर्स के बीच, और सुजान इंडियन टाइगर्स के कैप्टन जैसल सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है जैसल सिंह जी आपका इंडिया टीवी पर। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, आज के फिनाले मैच के लिए कितने एक्साइटेड आप और आपकी टीम? नहीं, हम बहुत बहुत एक्साइटेड हैं। कैवलरी गोल्ड कप इंडियन सीजन का काफ़ी माना जाना टूर्नामेंट है और हमारी दो पिछली गेम अच्छी रही हैं और ये ट्रॉफी को उठाना हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हम अच्छा जैसल सिंह जी, मुझे ये बताइए कि पिछले मैचेस की तरह इस, क्योंकि ये फिनाले मैच है, कंपटीशन टफ होने वाला है, एक रफ मैच हमें ग्राउंड में देखने को मिलेगा, तो आपकी स्ट्रैटेजीज कैसी रहेंगी? डू यू वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट? नहीं, हम हमारा पहले से ही प्लान ये रहा है साफ पोलो खेलने का, क्लासिक पोलो खेलने का, और हम वही स्ट्रैटेजी फिर से उपलब्ध करेंगे जो रोमांचक भी हो लोगों के लिए, पर घोड़ों के लिए भी और हमारे लिए भी मज़ेदार हो और साफ़ सुथरा हो, जहाँ किसी को चोट ना लगे। अभी अभी हमने सुजान इंडियन टाइगर्स के कैप्टन जयसिंह से बात की, अब हम बात करने वाले हैं रजनीगंधा अचीवर्स के कैप्टन क्रिस से। क्रिस, वेलकम टू इंडिया, हाउ डू यू फाइंड द कंट्री एंड पीपल? I love India. I'm from South Africa. We have quite a large Indian community there, so love the food and yeah, I feel very much at home. And what do you have to say about the game? How prepared are you and what are your strategies for the opposition team? We've been preparing all week, so hopefully we prepared. The horses are in great shape and we've got a great competitive game. They're a tough team with some good young players, but we hope to beat them with a bit of experience and a bit of calm thinking when it counts. आपने दोनों कप्तानों की बात सुनी, अब मैच का क्या नतीजा आया ये जानने से पहले इस खेल के बैकग्राउंड और उसके नियम को भी समझ लीजिए। पोलो दुनिया का सबसे पुराना टीम स्पोर्ट है, इसका इतिहास 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है। वैसे तो पोलो की शुरुआत को लेकर अलग अलग दावे किए जाते हैं, लेकिन कहा जाता है कि असल में इस खेल की शुरुआत भारत के मणिपुर से हुई। 1892 में भारत में इंडियन पोलो एसोसिएशन की स्थापना हुई। उस समय अलग अलग रियासतों की अपनी अपनी पोलो टीम हुआ करती थी। आजादी के बाद भी पोलो भारत में खेला जाता रहा। 1957 में भारतीय पोलो टीम ने फ्रांस में वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब भी अपने नाम किया था। पोलो के इतिहास की तरह उसके नियम भी बड़े इंटरेस्टिंग हैं। पोलो मैच में एक टीम में चार खिलाड़ी होते हैं जो पोलो पोनी यानी घोड़े पर बैठकर खेलते हैं। पोलो का एक मैच चार क्वार्टर यानी चार चक्र का होता है। एक चक्र 7.5 मिनट का होता है। खिलाड़ी बाएं हाथ से घोड़े को संभालता है और दाहिने हाथ से खेलता है। थकान की वजह से खिलाड़ी को एक चक्र के बीच में घोड़ा बदलना होता है।
सबसे दिलचस्प बात यह है कि फुटबॉल और हॉकी से अलग इसमें दोनों टीम दोनों तरफ गोल मार सकती हैं। आपने पोलो का इतिहास समझा, उसके रूल्स समझे। अब हम आपको दिल्ली में हुए हवाना कैवलरी गोल्ड कप 2022 के फिनाले का आंखों देखा हाल सुनाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वो प्रेस्टीजियस आर्मी बैंड जिनकी परफॉर्मेंस के साथ ही ये जो फिनाले का मैच है वो स्टार्ट हुआ। और अगर आज के इवेंट की बात करें तो जो इवेंट के गेस्ट हैं यानी कि चीफ ऑफ ऑनर हैं वो हैं जनरल मनोज पांडे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। और यही कारण है कि आर्मी बैंड के साथ इस पूरे कार्यक्रम का आगाज़ हुआ। और उम्मीद है कि मैच जिस शानदार और रोमांचक तरीके से चल रहा है यूँ ही आगे बढ़ता रहेगा। अगर स्कोरबोर्ड की बात की जाए तो तीसरा चक्रा शुरू हो चुका है और स्कोर है इस वक्त 5-2 स्कोर है सुजान इंडियन टाइगर्स का। दी टाइगर्स डॉनिंग दी ब्लैक विद येलो। और 2 स्कोर है रजनीगंधा अचीवर्स का। रजनीगंधा अचीवर्स को आप हॉर्सेस के बैक पर देख रहे हैं विद लाइट ब्लू एंड येलो, नॉट एग्जैक्टली लाइट ब्लू लेकिन आपको जो एक ब्लू येलो के कॉम्बिनेशन में टीम प्लेयर्स नजर आ रहे हैं दे आर रजनीगंधा अचीवर्स। अभी भी टाइम है इनके पास क्योंकि 2 चक्रास का गेम और बाकी है तो दे कैन रियली परफॉर्म वेल। मैच बेहद कांटे का था, आखिरी चक्र तक लोगों की सांसें अटकी रहीं। दोनों ही टीम एक दूसरे पर भारी पड़ रही थी। लेकिन आखिर में सवाई पद्मनाभ सिंह के सुपर गोल ने सुजान इंडियन टाइगर्स को हवाना कैवलरी गोल्ड कप 2022 का विजेता बना दिया। विजेता टीम को जनरल मनोज पांडे ने ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। जश्न के बाद विनिंग टीम के खिलाड़ियों ने इंडिया टीवी से खास बातचीत की। मैंने कंग्रेचुलेशंस गाइस, फाइनली सूरज ढल चुका है और सूरज के ढलने के साथ ही आपकी जीत भी हो चुकी है। हाउ डू यू फील लिफ्टिंग दिस हेवी ट्रॉफी? इट इज वेरी हेवी, आई फील वेरी गुड। जैसे हमने देखा बहुत बढ़िया शॉट्स आपने व्हाइल द मैच वाज ऑन मारे, तो इतनी एनर्जी इतना स्टैमिना कहाँ से आता है? ऊपर वाले ने दिया होगा। नहीं, इट वाज अ वेरी गुड गेम, बहुत मजा आया खेलने आज, बहुत मजा आया खेलते हुए। I think the third chakra for us was a bit weak. हमारे घोड़ों ने थोड़ा सा प्रॉब्लम दिया, पर वो होता है गेम में, एंड दैट्स द फन ऑफ पोलो। एंड आई थिंक दैट एट द एंड सुपर गोल बाय सवाई पद्मनाभ सिंह, the Indian captain. तो सवाई पद्मनाथ सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। मैनी कंग्रेचुलेशंस टू यू एंड टू योर एंटायर टीम। वो लास्ट का गोल हमने देखा किस तरह से पूरा टूर्नामेंट मैच चेंजिंग गोल रहा वो। नहीं, अच्छा गोल रहा, बट आई थिंक उस गोल पे आपको फोकस इतना नहीं करना चाहिए। पूरी जो टीम की परफॉर्मेंस रही वो बहुत बढ़िया थी, और आई थिंक जब ऐसा तालमेल बैठता है चारों खिलाड़ियों में तब ज़्यादातर रिजल्ट्स अच्छी तरह ही आते हैं। और हम सब ने एक दूसरे के लिए मेहनत करी, और आपने देखा सारे प्लेयर्स ने बहुत बहुत अच्छे अच्छे गोल मारे। और इसी के साथ साथ मैं कहना चाहूँगा दूसरी टीम भी बहुत ही अच्छा खेली, और बहुत टाइट मुकाबला था लास्ट में, और आज हम लकी हैं कि हम विजयी रहे। हाँ, हमारी मेन स्ट्रैटेजी थी दैट द अदर साइड, जैसे 6 हैंडीकैप के जो प्लेयर थे क्रिस मैकेंजी हु वाज द मेन प्लेयर ऑफ देयर टीम, तो उनको शट डाउन करना, उनको रोकना बहुत जरूरी था, बिकॉज वही उनके मेन प्लेयर थे जो सारे प्लेज और की रोल प्ले करते लाइक अ मिडफील्डर। सो आई वाज द वन हु वाज सपोज टू गो एंड ट्राई एंड स्टॉप हिम बिकॉज इज अ मच बेटर प्लेयर देन मी, बट वी वर एबल टू डू इट फॉर द फर्स्ट हाफ जहाँ पे हमारी लीड भी अच्छी बनी, और फिर थर्ड हाफ में जहाँ हमने मतलब थर्ड चक्कर में जहाँ हमने थोड़ी गड़बड़ करी तो वहाँ पे वो लोग वापस पास में भी आए, हमने थोड़े बहुत खराब फाउल्स दिए विच ऑल रिजल्टेड इनटू गोल्स, बट एट द एंड वी केप्ट अ कूल एंड दैट्स व्हाट मैटर्ड एंड वी वर एबल टू कम आउट एज विनर्स। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।